बाड़मेर जिला कारागृह में 126 बंदियों के एक साथ पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल के एक बंदी ने बैरक के अंदर के हालातों का वीडियो बनाकर वायरल कर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन जांच में जुट गया है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर जेल में कोविड-19 की पालना सुनिश्चित करवाने के तत्काल निर्देश दिए। बाड़मेर के जिला कारागृह में कोरोना ब्लास्ट के बाद जिला प्रशासन के अधूरे और खराब व्यवस्थाओं का सच का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मेडिकल एडवाइजरी की धजिया उड़ने के साथ साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी ताक पर रखा गया है। वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है, जिसमें युवक जेल की खराब व्यवस्थाओं और जेलर सुमेर सिंह पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल कर कैदियों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवा दिया है, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़ा करते हुए यह सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार इन कैदियों के पास मोबाइल पहुंचा कहां से। बाड़मेर जेल में कई अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी कैद है, ऐसे में बाड़मेर प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि बुधवार को जेल में बड़े कोरोना विस्फोट के बाद बाड़मेर जिला कलेक्टर श्याम ने जेल का सीमित व्यवस्थाओं को कोरोना प्रसार का बड़ा कारण बताया था, लेकिन वायरल वीडियो बाड़मेर प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख रहा है। वहीं जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा है, इसको लेकर भी कई सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं। वहीं पिछले दो दिन में बाड़मेर जेल में पाए गए 126 कोरोना पॉजिटिव के बाद वायरल हुई वीडियो पर बाड़मेर जिला कलेक्टर ने मामले को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी एवं सामाजिक एवं न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा जेल का सघन निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही वायरल वीडियो का आधार बनाकर यह टीम प्रतिबंधित वस्तुओं एवं आरोप सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, यह बात भी जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कही। जो बंदी है उनके द्वारा बताया गया है कि जेलर के द्वारा कोई मारपीट की गई है, कोई गाली गलौज की गई है और उनको जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह नहीं दी जा रही है। तो उस तथ्यों की बेसिकली जाँच कराने के लिए 7 अगस्त 2020 को बेसिकली जो होम डिपार्टमेंट है उसका एक आदेश भी आया हुआ है, जिसमें एक आरएस ऑफिसर, एक आरपीएस ऑफिसर और इनकी टीम बना करके और जेल के सडन इंस्पेक्शन के जो डायरेक्शन है वो दिए हुए हैं। जेल में इस प्रकार का जो वीडियो बनना अपने आप में निश्चित रूप से एक गंभीर बात है कि इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं जो जो, जो निषिद्ध वस्तुएं हैं वो जेल के अंतर्गत जा रही है। किस प्रकार से मोबाइल पहुंचा, किस तरीके से वीडियो बनाया गया, इन सारे मामलों की तहकीकात करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एसपी साहब, एडिशनल एसपी, हमारे एडीएम और डीवाईएसपी वगैरह सब सम्मिलित थे और ये तय किया गया कि कोविड की गाइडलाइंस के अनुरूप जो जेल है उसकी जांच सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी प्रकार की जो निषिद्ध सामग्री है वो अगर पाई जाती है तो निश्चित रूप से जो जेल स्टाफ है उसकी जो दायित्व है वो निर्धारित किया जाए। तो सारे लोग हैं वो जो कल जो वीडियो में जो लोग हैं वो सारे वो लोग हैं जो 126 संक्रमित है, ये तो जो संक्रमित है उनके बीच में तो सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहे, क्योंकि वो तो सारे संक्रमित है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और जेल परिसर में जगह भी सीमित है, क्षमता से भी ज्यादा लोग हैं, समय समय पर आते जाते रहते हैं, तो उन सारी परिस्थितियों को हम मद्देनजर रखते हैं कुल मिलाकर के जेल को सैनिटाइज कराना, जो पॉजिटिव आए हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट ठीक तरीके से करना। अगर जेल में, मैंने एक ही बात बताई, 1% वस्तुएं अगर प्राप्त हो जाए जो निषिद्ध है, जिनका प्रवेश या उनकी दाखिल वहां होना ही नहीं चाहिए, वो वस्तुएं अगर बरामद होती है तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि जेल प्रशासन की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। एक तरफ जहां जेल में कोरोना ब्लास्ट के बाद वायरल वीडियो के बम ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है, वहीं देखने वाली बात यह है कि राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी एवं सामाजिक एवं न्याय विभाग के अधिकारियों का दल कब जिला कारागृह का निरीक्षण करेगा। और सवाल यह उस वक्त और भी अहम हो जाता है जब 126 कोरोना पॉजिटिव के बैरक का ही वीडियो वायरल हुआ है।